नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी पांडे साहब। सूद साहब, पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत को बातचीत के लिए सिग्नल भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है किसी कार्यक्रम में। उन्होंने कहा है कि वो पड़ोसी देशों के साथ, चाहे वो भारत हो, वो ईरान हो, वो पाकिस्तान का कोई भी पड़ोसी देश हो, अफगानिस्तान हो, उसके साथ वो बेटर रिलेशन चाहते हैं। वो लगातार देश, किसी भी देश के साथ कंटिन्यूअस एक दुश्मनी है, उसका भाव नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान से कहा है कि भारत को हमारे इस जो हमने जो बात कही है उसको कंसिडर करना चाहिए और हम भारत से बेटर रिलेशन चाहते हैं। इसहाक डार, जो कि इस वक्त उप प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, इससे पहले आपको मालूम होगा कि जब नवाज शरीफ आए थे लंदन से और वो यहाँ चुनाव के पहले उसके आसपास उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। पाकिस्तान लगातार भारत को ये सिग्नल देता आ रहा है। इस वक्त जो सिग्नल दे रहा है पाकिस्तान, उसका क्या मतलब है? क्या भारत इस पर कोई प्रतिक्रिया देगा? देखिए, पहली बात तो जब नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट दी थी कि भारत से रिश्ते सुधारना चाहते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने उनको पीएम नहीं बनाया किसी इशू के ऊपर। और इसहाक डार ने पहले स्टेटमेंट दी थी कि वो इंडिया से ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके मुकर गए। मुकर इसलिए गए कि उनको आर्मी ने वहां पे डायरेक्शन दे दी कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इनकी क्या चलती है पाकिस्तान में? क्या इनके को मुकर था पाकिस्तान में? और इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया तो ट्रेड बंद नहीं की, ट्रेड तुमने बंद की। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कभी अटैक भी नहीं किया, चाहे 1948 का हो, चाहे 1965 का हो, चाहे 1971 का हो, चाहे आपका कारगिल अटैक हो, सब पाकिस्तान ने किए। तो कैसे बेहतर रिलेशन बनाना चाहते हैं इंडिया के साथ? फिर दूसरी बात है कि इंडिया ने कब मना किया रिलेशन मत इम्प्रूव करो। इंडिया ने कहा भाई, अगर आप रिलेशन डेवलप करना चाहते हो तो आप दोस्ती का एक भार तो संभालो, दोस्ती का एक कर्जा तो दो, इंडिया का तो टेरिज्म बंद कर दो, उस पर तो कोई बोलते नहीं है। आप मुझे बताइए कि ये कहते हैं कि हम इंडिया को सिग्नल भेजते रहे, इंडिया के हम खिलाफ नहीं है। इंडिया के अंदर पिछले 40 साल से ज्यादा से टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। सारे टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। पीछे 28 टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर मारे गए। कौन से मारे गए? जिन्होंने IC-74 को हाईजैक किया था वो मारे गए, जिन्होंने इंडिया के पार्लियामेंट पे 2001 दिसंबर 2001 में अटैक किया था वो मारे गए। मैं ये नहीं कह रहा कौन मरवा रहा, पाकिस्तान में मारे गए। तो पाकिस्तान में सारे टेररिस्ट बैठे जिन्होंने 2008 के अंदर उनके एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर ने अटैक करवाया था जिसके अंदर हमारे 8 सोल्जर मारे गए थे, उसको वहां गोली मार दी, तो वो भी वही है। तो ये खबरें पाकिस्तान के मीडिया में छप रही हैं कि ये इसमें इन्वॉल्व था, ये इसमें इन्वॉल्व था। तो जितने भी टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर सेफ हेवन लग रहा था, वो तो मारे जा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान इंडिया से रिलेशन अच्छे करना चाहता है तो इंडिया कहता है आप टेररिज्म बंद कर दो। टेररिज्म तो आज भी हो रहा है और सबके तार जुड़े पाकिस्तान से। चाहे 9 जून को जो अटैक हुआ था, जो हमारे श्रद्धालुओं को मारा गया था जम्मू के अंदर, वो भी पाकिस्तान के टेररिस्ट थे। तीनों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन थे तो पाकिस्तान ही, कराए तो पाकिस्तान ने अटैक। तो अगर पाकिस्तान इंडिया से रिलेशन अच्छा रखना चाहता है तो करे, कोई हमें क्या इशू है। लेकिन इंडिया की एक कंडीशन है कि आपसे बात हम तब करेंगे जब आप टेररिज्म को बंद करोगे। उस पर तो कोई कमेंट्स नहीं देते और कहते कि हम टेररिज्म नहीं करते, तो हमको इनको गिना देंगे आप कहाँ कहाँ टेररिज्म करते, कौन कौन से हमारे पास प्रूफ है। बहुत से टेररिस्ट जो पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है UN के अंदर, वो पाकिस्तान के अंदर है और US पे हमारा साथ दे रहा है, इसके ऊपर पूरा वर्ल्ड साथ दे रहा है चाइना को छोड़ करके। तो पाकिस्तान में बैठे हैं ना। अगर तुम चाहते हो इंडिया से रिलेशन अच्छे रखना तो दाऊद इब्राहिम को इंडिया को दे दो, हाफिज सईद को इंडिया को दे दो। इंडिया ने इनको 166 आदमियों की लिस्ट भेजी है कि 166 टेररिस्ट है जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, आप उनको हैंड ओवर कर दो, या आप कह दो कि हमने इनको जेल में डाल दिया, अब आपके यहाँ कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होगा, बॉर्डर की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो कोई बात नहीं करिए। लेकिन एक तरफा बात नहीं होती है, डबल स्टैंडर्ड से बात नहीं होती। एक तरफ आप टेररिस्ट अटैक करो, दूसरी तरफ को कि हम इंडिया से रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं। देखो, हमें पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने भी कहा था हम पाकिस्तान को भूल चुके हैं, वो पाकिस्तान का नाम ही लेते। पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है अपनी इकोनॉमी को रैप अप करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। पाकिस्तान इंडिया की चीनी लेता है, इंडिया का नमक लेता है, नमक तो नहीं है, इंडिया का आटा लेता है, इंडिया की दालें लेता है। वो कहाँ से लेता है? वो लेता है दुबई से, दूर जाकर के, जबकि बॉर्डर से ट्रांजेक्शन हो सकती है, सस्ती भी पड़ेगी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को फायदा होगा। और पाकिस्तान इस टाइम पे भुखमरे की हालत में आ चुका, कर्जे के लिए जगह जगह घूम रहा है। अभी रिसेंटली ये चाइना में गए थे,
कर्जा लेने के लिए चाइना ने मना कर दिया कि पहले जो हमारे लोगों को मारा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर उनका इलाज कराओ। तो पाकिस्तान को IMF से जरूरत है लोन लेने की, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम इतनी बार 23 बार लोन ले चुके हैं, लेकिन एक हमारा नेबरिंग कंट्री है, नाम भी देते इंडिया का, उसने एक बार लोन लिया था 90s के अंदर, उसके बाद लोन नहीं लिया, तो इनको तो इंडिया का नाम भी लेते शर्म आती है। और फिर इनके मिनिस्टर और इनके लोग इंडिया को धमकी देते हैं कि तुम्हारे पर बम फेंक देंगे। सालो, हमने पीएम मोदी ने कहा था कि तुम बम क्या फेंकोगे, हमने कोई दिवाली में रखने के लिए बम नहीं रखे, और इंडिया इस टाइम पे पाकिस्तान को टॉप कर चुका है न्यूक्लियर वेपन्स के मामले के अंदर। देखिए, बात कुछ करते हैं, एक्शन कुछ है। इशाक दर की क्या चलती है पाकिस्तान के अंदर? अब एक किसी ने कहा कि अगर आपने बात करनी है तो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ से बात करो। हम क्यों करें, पीएम मोदी क्यों से बात करेगा? अगर आर्मी चीफ बात करेगा तो आर्मी के चीफ से करेगा, अगर हमारे पीएम को बात करनी होगी तो उनके प्राइम मिनिस्टर से करेगा। जब पीएम मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी तो उन्होंने सबको बुलाया पाकिस्तान को छोड़ के, और जब 2014 में पीएम की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी उस टाइम पे नवाज शरीफ को बुलाया था, नवाज शरीफ आए थे, फिर पीएम मोदी वहां गए 2015 के दिसंबर को, 25 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान के अंदर गए, जो जब वो अफगानिस्तान से वापस आ रहे थे अनइनवाइटेड गए। इससे पहले वाजपेयी भी जा चुके थे पाकिस्तान के अंदर, जनवरी 1999 में तो पाकिस्तान ने कारगिल कर दिया, और पीएम मोदी के जाने के बाद इन्होंने अटैक कर दिया बेस, इंडियन बेस के अंदर जम्मू में, और उसके बाद उरी अटैक कर दिया, उसके बाद पुलवामा अटैक कर दिया। तो ये बातचीत वाले कौन से हैं, ये तो टेररिस्ट हैं। और अब अगर देखिए, अगर नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को मैसेज भेजा उनके शपथ लेने के टाइम, तो एक प्रॉपर मैसेज भेजा, लेकिन नवाज शरीफ का एक लाइन का मैसेज था, पीएम मोदी ने एक लाइन में आंसर दे दिया। आप दोस्ती करना चाहते हो, आपको जरूरत है दोस्ती की, हम ये नहीं कहते कि हमें जरूरत नहीं है, अगर नेबर अच्छा होगा तो हमें भी फायदा है, नेबर ताकतवर हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, तो हम ट्रेड भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। जब नेबर ऐसा हो जिसने यहाँ पे टेररिस्ट अटैक करने हो, तो हम कहते हैं ऐसे नेबर से, तो नेबर ना नेबर पूरा हम छोड़ सकते नहीं। लेकिन कुछ एजेंसीज कह रही हैं कि 2030 तक पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा, तो तुम्हारा देश टूटेगा, हमारे बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहा, तुम कैसे तुमसे बात करें, कैसे तुमसे ट्रेड करें, कैसे तुमसे बिजनेस करें, तुम्हारी चलती नहीं है, तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर चलती है उनकी आर्मी की, तो आर्मी वाला बात करें, आर्मी वाला बात करेगा तो हमारे आर्मी के चीफ से बात करेगा, पीएम तो नहीं बात करेगा उनसे। तो पाकिस्तान के अंदर इनके कहने का कोई मतलब नहीं है, अपने लोगों को एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि इंडिया से दोस्ती करना चाहते हो, अगर दोस्ती करना चाहते हो तो खुलेआम दोस्ती करो, खुल के दोस्ती करो, छुप के ना करो कि एक हाथ से आप दोस्ती का हाथ मिलाते हो, दूसरे के आपके बम पकड़ा हुआ। तो ये चीजें पाकिस्तान को बंद करनी पड़ेगी, और इनके जो स्टेटमेंट है ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए। अगर रियलिटी में पाकिस्तान इंडिया से दोस्ती करना चाहेगा तो दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद जैसे लोगों को इंडिया को ऑफर कर देगा, तब हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हम इनके केस कैसे चलाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो केस चलने में भी 20-20 साल लग जाते हैं, तो हमें तो मुश्किल हो जाएगी। अगर दाऊद को भेज दिया, हाफिज सईद को भेज दिया, और 166 जो टेररिस्ट है उनको भेज दिया, तो हम तो चाहते ही नहीं कि वो आए, और पाकिस्तान कभी ना सुधरेगा, ना सुधरा है, ना पाकिस्तान को सुधरने की जरूरत है, ना हमें पाकिस्तान की जरूरत है दोस्ती करने की, हम सेल्फ सफिशियंट है, हम पाकिस्तान को छोड़ के सबके साथ बिजनेस कर रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाइना के साथ भी हमारा बिजनेस चल रहा है, चाइना के साथ इंडिया का इस टाइम पे टॉप बिजनेस चल रहा है, यानी कि चाइना और इंडिया का बिजनेस वर्ल्ड के अंदर नंबर वन पे चल रहा है, $110 बिलियन का बिजनेस था दोनों कंट्रीज का आपस में। लेकिन बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश हमको $2 बिलियन का इंडिया को सामान भेजता है, इंडिया से भी सामान लेता है वो, इंडिया उसको हेल्प भी करता है, इंडिया उसको असिस्टेंस भी देता है, जिस चीज की जरूरत होती है वो भी देता है, इंडिया ने उनके साथ एक पाइपलाइन भी बना रखी है उनको ऑयल वगैरह भेजने की। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ नहीं है, कोई इसलिए नहीं कि पाकिस्तान डिपेंडेबल है, ना पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को डिसीजन ले सकते हैं, ना पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है उनकी ऐसी हिम्मत है कि इंडिया से दोस्ती की बात करें। अगर कोई दोस्ती की बात करता है तो उनको आर्मी पीछे डंडा मार देती है, जैसे नवाज शरीफ को मारा, नवाज शरीफ को 2 बार उन्होंने पावर से हटाया क्योंकि वो इंडिया से दोस्ती करना चाहते थे, और भुट्टो को तब फांसी दी अमेरिका के कहने पे कि भुट्टो उस टाइम पे इंदिरा गांधी से चाहते थे कि हमारे रिलेशन इंप्रूव हो, और भुट्टो को उन्होंने फांसी दे दी जेल में उनकी आर्मी ने। तो पाकिस्तान का कुछ भी कहना कोई मायने नहीं रखता, कोई इनका पर्पस नहीं है। सीधी बात यह है कि देखिए, जब वहां के प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है तो फिर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तो क्या हैसियत होगी। और दूसरी चीज यह है कि अभी ये चाइना गए थे, चाइना से इनको कुछ नहीं मिला। अभी अमेरिका ने भी कहा है, अमेरिका का जो फॉरेन जो अफेयर्स का जो विभाग है उसका एक जो स्पोक्स पर्सन है, उसका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उस मैथ्यू मिलर शायद उसका नाम है, उसने कहा था कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए, बातचीत करें, लेकिन अमेरिका आप दोनों के बीच में नहीं पड़ेगा। तो इनके ऊपर प्रेशर भी है सर,
प्रेशर भी है इनके ऊपर, लेकिन भारत ने कहा है, भारत ने तो साफ कहा है जी। देखिए अब इनकी एक डेलीगेशन आई जी, अब इनकी डेलीगेशन आई इंडस वाटर ट्रीटी के चक्कर में इंस्पेक्शन करने आई, तुमने आने दिया उसको, हमने क्या रोक लिया, बातचीत होगी करेंगे, ये कंफर्म करना चाहते हैं कि इनका क्या पानी हम लोग रोक रहे हैं तो वो भी बता देंगे, क्या रोका जा रहा है, हम पाकिस्तान का पानी नहीं रोक रहे, हम पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया के हिस्से का पानी जाता है उसको रोक रहे हैं, जिससे कुछ कर नहीं सकता, जो लीगल चीज है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। तो आपने अगर दोस्ती करनी है तो दोस्ती की तरह बात करो, आप एक हाथ में तलवार लेके खड़े हो जाते हो कि दोस्ती करोगे, और इंडिया इनसे मजबूत है, इंडिया इनके तलवार से डरता नहीं है। चाइना ने हमको खुरी छुरी खोपी थी पीछे जून 2020 के अंदर, जब उसने हमारे सोल्जर्स पे अटैक किया था, हमने उनके 100 सोल्जर को मार दिया था। तो आज तो कल इंडिया डिफरेंट है, 62 वाला इंडिया भी नहीं है, और इवन जो 65 वाला इंडिया था जिसने पाकिस्तान को तब हरा दिया था, वो भी वो इंडिया नहीं है। आज इंडिया एक स्ट्रेंथ पे पहुंच चुका है, एक हाइट पे पहुंच चुका है, और इंडिया बड़ी कंट्री है, पाकिस्तान छोटी कंट्री है, इंडिया की इकोनॉमी है बहुत ज्यादा, पाकिस्तान की इकोनॉमी है नीचे, इंडिया के पास 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा रिजर्व्स हैं डॉलर्स के, पाकिस्तान एक एक डॉलर के लिए, एक एक बिलियन डॉलर के लिए भीख मांग रहा है वर्ल्ड से, कभी चाइना से, कभी IMF से, कभी UAE से, कभी किसी और कंट्री से, कोई नहीं दे रहा इनको। लेकिन सर यही बात है कि जब भारत ये कहता है कि जो मतलब ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, मतलब व्यापार और बंदूक की गोली साथ नहीं चल सकती, और आप हमको आतंकवादियों को सौंपिए, हर स्टेटमेंट में, चाहे वो नवाज शरीफ दे, चाहे वो शहबाज शरीफ दे, चाहे या इसहाक डार दे, कहते हैं हम दोस्ती तो चाहते हैं लेकिन टेररिज्म पर, यानी जो कश्मीर से जो आतंकवाद हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, ये नहीं कहते कि हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे या हम उनको रोकेंगे नहीं, तो फिर ऐसे में बातचीत कैसे संभव है, रिलेशन कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल, तो देखिए जैसे पीएम मोदी ने कहा कि अब हमें कोई, मैं पाकिस्तान के बारे में सोचता नहीं हूं, पहले सोचते होंगे जब नवाज शरीफ थे तो, और फिर शहबाज शरीफ की तो कोई मुकत ही नहीं है, शहबाज शरीफ इस टाइम पे पाकिस्तान की आर्मी के भरोसे बैठे। देखिए नवाज शरीफ को पीएम मोदी ने स्वीयिंग सेरेमनी बुलाया था, जब इमरान खान पावर में आए आर्मी के भरोसे तो उन्होंने पीएम मोदी को बुलाने की सोची, लेकिन यहाँ सिग्नल भेज दिया गया कि पीएम मोदी नहीं जाएंगे वहां पे, क्योंकि वो आए थे आर्मी के भरोसे, आर्मी की पावर से, और इस टाइम पे शहबाज शरीफ भी आर्मी के सपोर्ट से पीएम बने हैं, नहीं तो इमरान खान को पीएम बनना था, तो इनसे क्यों बात करें, ना तो इनके पास स्ट्रेंथ है, ना इनके पास नंबर्स है, ना इनके पास कोई इच्छा है, और इनका जो एजेंडा चलाते हैं वो चाह रहे थे आर्मी, आर्मी कभी इंडिया से दोस्ती नहीं करना चाहते क्योंकि उनके तो अपने एजेंडे चल रहे हैं, वो तो आजकल बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो ठीक है करते रहिए, हमें क्या दिक्कत है, हम तो अपने शांति से बैठे हैं, देश हमारा चल रहा है, जो टेररिस्ट आते हैं मार देते हैं, जो बाकी टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं वो एक एक करके मारे जा रहे हैं, हम तो वहां भी एलिमिनेट करा देंगे इनके टेररिस्टों को। लेकिन सर एक बात बताइए, पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड करने, जब ट्रेड की बात आती है, कर हमको तो ट्रेड चाहिए ना, उनको उनको चाहिए, जब ट्रेड की बात आती है तो वो कश्मीर का इश्यू बीच में ले आता है, उस पर वो समझौता नहीं करता, लेकिन इनका मैंने ये देखा है कि ये भारत से हमसे कहते हैं, इनकी कहते हैं आप हमारे साथ क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट की टीम हमारे वहां क्यों नहीं आती है, दुनिया भर की टीमें हमारे वहां नहीं आती है, आती है, आपकी टीम नहीं आती है, अब तो खैर दुनिया भर की टीम भी नहीं आ रही है, हालात इतने खराब है, क्रिकेट क्यों खेलना चाहते हैं? देखिए क्रिकेट ये खेलना चाहते हैं, इनको पैसा आएगा, ये कहीं से भी इनको पैसा मिल जाए ना तो पैसा मिलेगा। देखिए हमारे यहाँ IPL होता है, IPL में यहाँ हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको कई कई करोड़ रुपए मिलते हैं, तो ये भी चाहते हैं कि इनके प्लेयर्स आए तो इनको पैसा मिले, और इनके कंट्री में अगर क्रिकेट खेली जाएगी, हमारे क्रिकेटर्स जाएंगे तो वहां पे टिकटें बिकेंगे, पैसा मिलेगा, उसी लिए चाहते हैं क्रिकेट खेलें। और देखिए इन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी भी की थी, जब यहाँ पे इनके एक डिक्टेटर थे राजीव गांधी के टाइम पे, तो उन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी स्टार्ट की थी, क्रिकेट डिप्लोमेसी की, जयपुर के अंदर एक मैच हुआ, वो आए वहां पे 500 इनके साथ डेलीगेशन आए, साथ में कुछ लड़कियां ले आए, वो लड़कियां जो आर्मी के लोग बैठे थे यूनिफॉर्म के अंदर उनके आसपास बैठ गई, उनके साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी, बातचीत करनी शुरू कर दी, और बाद में उनको सिंगापुर बुला लिया, बैंकॉक बुला लिया, और वहां पे जाकर के उनकी फोटो खींच दी, ब्लैकमेल किया, और बाद में जब हमारी एजेंसी को लगा कि ये आदमी क्यों जा रहा है वहां पे, तो उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। तो ये डिप्लोमेसी नहीं, ये पीछे से चालबाजी करते हैं, ये मतलब आप देखिए कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको अपने जाल में फंसाने का काम करते हैं, हर एक जगह इनको इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन चाहिए, हर एक जगह कुछ ना कुछ करना चाहते हैं इन, ये कहीं भी सीरियस नहीं है। देखिए ऐसा है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड होगी वो होगी 38 बिलियन डॉलर की, आज
$1 बिलियन की ट्रेड है या $2 बिलियन की इनडायरेक्ट ट्रेड होगी इंडिया और पाकिस्तान की, तब $38 बिलियन की होगी, तो उसमें जो मेन बेनिफिशियरी होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडिया से चीजें इम्पोर्ट करेगा, सस्ती चीजें आएंगी, और पाकिस्तान के अंदर जो कपड़े मिलते थे, खैर आजकल तो पाकिस्तान की कपड़ा इंडस्ट्री फेल हो चुकी है, तो पाकिस्तान अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर पाएगा जो भी उसके पास सरप्लस है। लेकिन चक्कर ये लगता है कि पाकिस्तान का जो मेन एक्सपोर्ट था वो था कपड़ा, वो मिले बंद हो गई हैं। दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ पानी की शॉर्टेज आ गई है, जिससे इनकी कपड़े की मिलें नहीं चल रही, क्योंकि उसके लिए पानी ज्यादा यूज होता है। और दूसरी बात है कि आज बांग्लादेश इनको इसलिए टॉप कर रहा है कि इंडिया से कॉटन जाती है बांग्लादेश के अंदर, वो उनकी कपड़ा इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, और पाकिस्तान जो कॉटन इंपोर्ट करता है वो करता है ब्राजील से, इतनी दूर से करता है, तो उसमें आपका कार्गो पे भी वेट खर्चा लगता है। अगर इंडिया से पाकिस्तान कॉटन ले तो उनका सामान सस्ता होगा, और वर्ल्ड के अंदर ये चीज देखी जाती है किसका सामान सस्ता है, किसकी क्या क्वालिटी है। तो आजकल बांग्लादेश का जो कपड़ा है वो इंटरनेशनल मार्केट में यूरोप में ज्यादा चल रहा है, पाकिस्तान एक हिसाब से ठप हो चुका है। नहीं तो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर कपड़े आते थे, सूट आते थे लेडीज के, वो बहुत यहाँ बिका भी करते थे, आजकल वो सारा बिजनेस ठप हो गया है, क्योंकि एक तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट ठप हो गई, एक इनका जो कपड़े का बिजनेस है वो ठप हो गया, एग्रीकल्चर वो डाउन हो गया। एक टाइम पाकिस्तान बासमती चावल एक्सपोर्ट किया करता था, और इनके अंदर जो कंट्री के अंदर खाने पीने की चीजें थी, दाल आटा चावल, वो भी इस टाइम पे कम है, शॉर्टेज है, और सारी इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, फ्लॉप हो चुकी हैं, ना कारें बनती है, ना मोटरसाइकिल बनती है, ना पाकिस्तान कुछ और चीज बना पाता है, और पाकिस्तान इसीलिए बर्बाद हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक चीज सबसे आगे वो है टेररिस्ट, लेकिन वो भी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। बहुत बुरी स्थिति है पाकिस्तान की, और बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत तो दोस्ती, भारत ने तो शर्त रखी है कि भाई अब तक आप आतंकवाद नहीं रोकेंगे, अब तक बातचीत नहीं हो सकती, आतंकवाद रोकिए आपसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस शर्त पर बातचीत नहीं करना चाहता, लिहाजा ऐसा लगता है कि जी पांडे साहब ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड भी की जाए, बिजनेस भी किया जाए, लेकिन बीच में कौन अटकता है? अगर कोई पॉलिटिशियन चाहता है तो आर्मी आ जाती है, अगर पाकिस्तान कहे कि मैं इंडिया से रिलेशन इंप्रूव करना चाहता हूँ, टेररिस्टों को भेजना चाहता हूँ, तो उनके टेररिस्ट उनके खिलाफ हो जाते हैं और पाकिस्तान की आर्मी उनके खिलाफ हो जाती है। देखिए पाकिस्तान के अंदर उनके पॉलिटिशियन की चलती नहीं है, और अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम हो, पॉलिटिशियंस की पावर हो, तो चले जो पॉलिटिशियन एसर्ट करना चाहता है अपने आप को, उसको पावर से दूर कर देते हैं। नवाज शरीफ को स्पेशली बुलाया था लड़ने से कि वो आएंगे तो देश की इकोनॉमी को सुधारेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ के बस की तो है नहीं, वो सुधार भी सकते थे, इंडिया के साथ रिलेशन भी इम्प्रूव करते, लेकिन आर्मी को लगा कि अगर ये इंडिया से रिलेशन इम्प्रूव करेंगे तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, हमारी स्मगलिंग बंद हो जाएगी। अब देखिए पाकिस्तान डूब रहा है, पैसे नहीं उसके पास, कोई उनको लोन नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस बजट 15% बढ़ा दिया गया उसके बावजूद, और सारा का सारा जो बोझ डाला गया वो आम पब्लिक पे डाला गया जो पहले पिस रही है, और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि तुम्हारे इस साल के अंदर 1 करोड़ लोग और पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे, पहले 10 थे अब 11 करोड़ लोग पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे। पाकिस्तान को चिंता नहीं, इंडिया के अंदर जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे वो ऊपर आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, और वही लोग पाकिस्तान में 5 और 10% लोग राज करेंगे, और बाकी तो यहां से लूट के भाग जाएंगे, क्योंकि पब्लिक की चिंता किसी को नहीं है वहां पर, पब्लिक की कोई आवाज भी नहीं है, जो ताकतवर लोग हैं वो आर्मी है, पॉलिटिशियन भी नहीं है, तो फिर ये सिस्टम चलेगा कैसे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में अगर बातचीत की जो भारत के साथ उन्होंने पेशकश की है वो बिल्कुल एक तरह से बेईमानी लगती है। सूद साहब आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार जी, शुक्रिया बहुत बहुत।